I want to some chip chat with Manish. क्या बात है, हम इंग्लिश बोलने लगे भाई भाई, तालियां हमारे लिए। जैसे सीरीज मैच खेलते हैं ऐसे ही हमारी जो मैच है वैसे मैच है, टी शर्ट वगैरह आएगी हमारी। Hey guys, this is Jayesh Jalia. Time हो रहा है सुबह के 7:08, so good morning and welcome back to the channel. रात को मतलब मैं कब का उठ गया था जल्दी, 7 बजे के आसपास ही, 7:15 बजे, पता नहीं क्यों। रात को तो मतलब थका हुआ था फिर भी सो गया था, पर जल्दी सुबह उठ गया, पता नहीं कैसे नींद खुल गई, वरना तो ऐसे जल्द 10-11 बजे उठता, पर थका हुआ था फिर भी अचानक से नींद खुल गई। थकान तो अभी नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी तबीयत कल खराब हो गई थी, वो है थोड़ी सी, इसलिए हम आज सुबह सेशन में नहीं गए, आज हम दोपहर के जाएंगे एकेडमी का। वेदर दिखा था, रुको देखो, ऐसे मस्त फॉग है थोड़ी बहुत और ठंड भी है बाहर। तो गाइस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और हम रेडी भी हो चुके थे, शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि रहा हमारा बैट और हैमर से भी मतलब थोड़ा सा नॉकिंग भी किया और ज़्यादा, और बॉल से टैपिंग वगैरह भी करते हैं, थोड़ी सी शैडो प्रैक्टिस भी कर ली क्योंकि सुबह सेशन हम गए नहीं थे, और रहा हैमर भी रेडी हो चुका है, बाल भी मस्त एकदम से सिल्की हो चुके हैं। पर आज 3 बजे के बाद जाएंगे, तो देखते हैं आपको आज क्या करेंगे। आज तो वैसे ही बैटिंग ड्रिल, और अभी तो मेन दो ही फोकस है अपना, बैटिंग कीपिंग, बस बैटिंग करो कीपिंग करो बस हो गया। सो अभी थोड़ी सी शैडो प्रैक्टिस करते हैं, लंच वगैरह करते हैं और निकलते हैं एकेडमी के लिए 3 बजे तक। सो गाइस टाइम ऑलमोस्ट 2:45 हो चुका है, हम भी रेडी हो चुके हैं, पर आज टी शर्ट हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सारी जो ट्रेनिंग वाली टी शर्ट है वो गीली है, मतलब अभी तक सूखी नहीं। जो ब्लू वाली पहनता वो स्काई कलर की पहनता वो, बाद में एक दूसरी जो हाफ में है मेरे पास वो टी शर्ट वो वाली भी, मतलब वो तो नहीं पहन सकता मैं क्योंकि इतनी ठंड है तो भाई माफी मुश्किल हो पहनना। तो बहुत सारे टी शर्ट है और जो कि कॉटन की है वो सब है, तो वो मुझे ट्रेनिंग में ज़रा से भी पसंद नहीं क्योंकि वो अगर भीगती है ना तो मतलब वो सूखने बहुत देर लगती है। ये वाले टी शर्ट ही मैं पहनता हूँ ज़्यादातर, और पसीना होता है तो निकल भी देते हैं थोड़ी बहुत, पर अभी ठंडी का मौसम है तो नहीं होता है, पर इसलिए मुझे आज ये टी शर्ट चेंज नहीं करनी क्योंकि मुझे ऐसे ही कपड़ की मुझे पसंद है ट्रेनिंग में। सो इसलिए नो चेंज, आज सिर्फ ट्रैक चेंज कर लिया, हेडबैंड डाल दिया, मतलब हेडबैंड भी लगा ली, टॉपिक भी लगा ली क्योंकि आज मैं पुरानी बाइक लेके जाऊंगा क्योंकि बाइक चलाने का भी मन नहीं है, सर्दी जुकाम मतलब गले में थोड़ा सा वो है इसलिए तबीयत खराब थी, तो बाहर कुछ काम चालू है उसका आवाज़ आ रहा है शायद से। पर रेडी हो चुके हैं, 3 बजे तक हमें वहाँ पे मतलब मीटिंग पॉइंट पर हमारा मिलना है क्योंकि वहाँ पर ही हमारी मीटिंग होती है मिलने की। स्वागत, निकल चुके, कैप पहनने का यही नुकसान है, ऐसे करता हूँ ना तो फेस पे डार्कनेस आ जाती है, लाइट नहीं आती ना, तो देखो ऐसा। और अभी चलते हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है नीचे, अब अभी आएगी लाइट वाली। पूरे देखो कल यहाँ पे किसी ने सीट पे स्क्रैच लगा दिया है, मतलब ये वाला वहाँ पे किसी ने कर दिया ऐसा। तो गाइस पहुंच तो गए, अभी अंदर चलते हैं, उधर से जाना पड़ेगा, चाबी नहीं है हमारे पास क्योंकि हम थे नहीं ना 2 दिन इधर, और पापा को कॉल भी करना है क्योंकि पापा वांट टू सम चिप चैट विद मनीष। क्या बात है, हम इंग्लिश बोलने लगे भाई भाई, तालियां हमारे लिए। पर हम मनीष जा रहा है उसी तरीके से मुझे जाना है, और बहुत तेज़ धूप है भाई, बहुत तेज़, मतलब सर्दी में भी इतनी गर्म लगता है भाई, गर्मी कितनी है। तो गाइस अभी यहाँ पे रनिंग वगैरह हो रहा है, देखो मनीष और पंडित है दोनों। मैं अपना रनिंग 1 राउंड मार के आया हुआ क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी, तो ज़्यादा मैंने वो नहीं किया, वीक सा था थोड़ा सा इसलिए, पर रनिंग स्ट्रेचिंग सब कर लिया मैंने। तो अभी बैटिंग शायद से थोड़ी देर करते हैं, ड्रिल बैटिंग नहीं तो बैटिंग ड्रिल करेंगे आज। तो गाइस यहाँ पे हमारा ड्रिल सेशन चल रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली आज शूट नहीं कर पाऊँगा, वो स्टैंड तो मैं दूसरे वाले बैग में ही भूल गया, जब अभी लेने गया था तब पता चला, अभी मेरा टर्न है मनीष के बाद, तो चलते लास्ट सेट है मनीष। अभी ऑलमोस्ट घर पे पहुंचने वाले, और हाँ मैं एटीएम पे चलना था, पर कोई भी एटीएम इधर चालू ही नहीं था, सारे बंद थे, तो हमारा काम वो भी नहीं हो पाया। आज बैटिंग वगैरह की थी, ड्रिल वगैरह, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया आज पूरे दिन में, और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी, मतलब 70-100 के आसपास बॉल खेली, मतलब 100 से तो ज़्यादा ही, पर 150 के आसपास,
और ड्रिल वगैरह तो मैंने करी थी, सेट ऑफ प्रैक्टिस भी करी थी, तो बैटिंग पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो एकदम मैंने जो करना था कर दिया। और अभी जो भी मिल रहा है, जो भी मतलब पहचान वाला, सारे सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा तो वो लोग एक्साइटेड है मेरे लिए, तो ये भी एक बात है भाई। और देखो गाइस, आज है इसकी सब्जी, चने की सब्जी, हरे चने की, और हमारे लिए फ्रूट्स में आज चीकू। तो गाइस अभी भूख लगे तो ये टमाटर है मस्त, ऊपर मसाला वसाला डाल के खाते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी अभी। सो आज मैच भी थी वुमेंस अंडर 19 वाली, वो भी देखने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो शुरू ही नहीं हुई है बारिश की वजह से। सो गाइस अभी अपना डिनर वगैरह सब कुछ रेडी है, और एक मस्त सी न्यूज़ भी है जो आपको सुना देते हैं, मतलब थोड़ी सी गुड न्यूज़ टाइप बोल सकते हो, जो कि हम नए साल में अगले महीने में जो कि हम एक टूर्नामेंट शायद मतलब अभी तो आया है तो हम खेलने वाले, हमारी क्लब की तरफ से मतलब एक क्लब है उसमें हम एकेडमी वाले की टीम है हमारी जो कि हम खेलने वाले, ऐसा हमारा नक्की हुआ है। सो अभी जैसे जैसे फाइनल होगा वैसे बताता जाऊँगा आपको, जैसे सीरीज मैच खेलते ऐसे ही हमारी जो मैच है वैसे मैच है, टी शर्ट वगैरह आएगी हमारी, जर्सी नेम लिखा हुआ मतलब नंबर जो भी होगा वो, तो ऐसा कुछ है अभी जो आपको प्लान होता है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सो अभी अपना आप डिनर वगैरह करते हैं, और ऑलमोस्ट एडिटिंग भी मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़ी बहुत, तो वो भी कंप्लीट करते हैं। सो गाइस अभी खाना वाना हो गया मस्त एकदम चटाकेदार, और अभी हम जा रहे हैं दादा के घर पर क्योंकि वो सिलेक्शन देके आए ना, तो ऐसे ही किस मतलब कितने दिनों से गए नहीं, तो आज चले जाते हैं, मतलब राउंड भी लगाते हैं उस घर पर, तो चलते हैं। अभी ठंड में जाना है, मतलब मैंने क्या बोलते हैं इसको अभी गले में पहना है, सो अभी ये पहन लिया सब कुछ, हेलमेट भी ले लिया, तो अभी चलते हैं। रास्ते में मिलेंगे तो नहीं क्योंकि अंधेरा होगा तो शूट करना तो मुश्किल है क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं तो...